सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो एक और न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज मैं आया हूँ होंडा शोरूम, जहाँ पे सबसे मोस्ट पॉपुलर जो सबसे ज़्यादा बिकने वाली बाइक है होंडा एसपी 125, और ये है 2024 का न्यू मॉडल E20 वेरिएंट है। तो इस बाइक के बारे में हम ऑल ओवर फीचर के बारे में बात करेंगे, और इस बाइक का जो ऑन रोड प्राइस है वो क्या रहने वाला है, और क्या क्या फीचर मिल जाते हैं, क्या इसमें खास फीचर है, क्या अपडेट हुआ है, तो सारी डिटेल में बात करेंगे। तो सबसे पहले फ्रंट से स्टार्ट करते हैं। फ्रंट प्रोफाइल है वो आप देख सकते हो, वी शेप में जो इसकी हेडलाइट है वो दी गई है। बाकी ये है बाइक की लेफ्ट साइड प्रोफाइल। साइड आते तो रियर साइड से कुछ ऐसी नज़र आती है। और जो कलर है बाइक के वो रेड और ब्लैक का कॉम्बिनेशन है, और जो स्ट्राइप आपको ग्रे कलर की भी मिल जाती है। तो बाइक के फ्रंट से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे फ्रंट में आपको होंडा की बैजिंग मिल जाएगी, और ब्लैक कलर का वाइजर है। दोनों ही साइड में आपको इस तरीके से ग्राफिक मिलते हैं रेड और सिल्वर कलर के। इस तरीके से वी शेप में हेडलाइट है, और इस बाइक की जो हेडलाइट है वो है फुल्ली LED हेडलाइट। जैसे ही इग्निशन की ऑन करते हैं तो इसकी जो हेडलाइट है, और ये इसका हाई बीम, तो हाई बीम इस तरीके से ऑन भी कर सकते हो, स्विच दे रखा है स्पेशल। और इंडिकेटर्स की अगर बात करें तो ये इसके हैलोजन इंडिकेटर्स, नॉर्मल बल्ब में जो इंडिकेटर्स है वो यहाँ मिल जाते हैं आपको। बाइक की जो फ्रंट नंबर प्लेट है वो यहाँ असेंबल होगी। उसके बाद फ्रंट मडगार्ड की अगर बात करें तो फुल्ली स्पोर्टी लुक में मडगार्ड है, ग्लॉस फिनिश में, ग्लॉस ब्लैक कलर, और रियर साइड में आपको मैट फिनिश मिल जाती है। दोनों साइड आपको रिफ्लेक्टर दिए गए इस बाइक में। सस्पेंशन की अगर बात करें तो टेलीस्कोपिक सस्पेंशन है इस बाइक में, और फ्रंट में आपको मिल जाती है डिस्क ब्रेक, जिसका साइज़ है 240 mm, ठीक है। और टायर साइज की अगर बात करें तो 80x100 सेक्शन का टायर है, 18 इंच के अलॉय व्हील्स है, ब्लैक कलर के ट्यूबलेस टायर है फ्रंट एंड रियर साइड। यहाँ मिल जाता है आपको सिंगल हॉर्न। ये बाइक का एग्जॉस्ट क्रोम फिनिश में मफलर दिया गया है यहाँ पे। ये बाइक का ब्रेक पैडल। इस बाइक में आपको किक स्टार्ट ऑप्शन भी मिल जाता है, और इंजन के ऊपर में होंडा की ब्रांडिंग मिल जाती है। यहाँ बाइक का जो टैंक है, पेट्रोल टैंक, उसके साइड में आपको इस तरीके से ये श्राउड मिल जाएंगे, जिस पर आपको होंडा की बैजिंग मिलेगी 3D में क्रोम फिनिश के साथ। उसमें मैट फिनिश भी मिल जाती है ब्लैक कलर की। ये फाइबर प्लास्टिक में पूरा का पूरा जो फ्रेम है साइड में, यहाँ पर भी आपको टेक्सचर फिनिश मिलती है, फाइबर प्लास्टिक में कवर दिया गया है। टैंक पे जो ग्राफिक्स हैं वो काफ़ी प्यारे दिए गए हैं, रेड, डार्क ग्रे और सिल्वर कलर, तो तीनों का कॉम्बिनेशन काफ़ी प्यारा है। और यहाँ दी गई है आपको E20 की बैजिंग पेट्रोल टैंक के ठीक ऊपर में, बिकॉज अब ये बाइक आपको E20 कंप्लाइंट मिलती है। यहाँ हैंडल बार पर भी अगेन आपको होंडा की ब्रांडिंग मिलेगी। हैंडल बार जो रहने वाला वो आपको सिंपल मिलता है, बैंड पाइप वाला। ये इस बाइक की नॉर्मल की है, और चाबी के ऊपर में आपको होंडा की ब्रांडिंग मिलेगी। इसको इंसर्ट करते हैं, बात करते हैं हम इसके मीटर कंट्रोल की। तो फुल्ली डिजिटल मीटर कंट्रोल है, जिसमें आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे फ्यूल गेज मीटर मिल जाता है, यहाँ स्पीडोमीटर, ट्रिप ए, ट्रिप बी, क्लॉक, गियर पोजिशन इंडिकेशन, और ये आपका लेफ्ट राइट इंडिकेशन, न्यूट्रल लाइट, पासिंग लाइट। तो दो बटन दिए गए इसमें मीटर कंट्रोल ऑपरेट करने के लिए, लेफ्ट साइड में और एक राइट साइड। ये इस बाइक में लेफ्ट हैंडल बार पासिंग स्विच, जो कि इस तरीके से आप ऑन कर सकते हो, ऊपर की तरफ अगर पुश करते हो तो इस तरीके से ऑन हो जाएगा, बाकी इस नीचे की तरफ प्रेस करोगे एक बार तो ऑफ हो जाएगा, और इस तरीके से आप पासिंग दे सकते हो। पासिंग स्विच हो गया ये, लेफ्ट राइट टर्न इंडिकेटर्स, हॉर्न, हॉर्न एक बार साउंड सुना दी, तो नॉर्मल हॉर्न है इसमें, कोई भी लाउड हॉर्न नहीं है, सिंपल हॉर्न है। राइट साइड में आते हो तो ये इसका किल स्विच, तो एकदम साइलेंट स्टार्ट है बाइक। तो बाइक स्टार्ट कर दी और बिल्कुल भी साउंड नहीं आया, बाइक अभी इस टाइम स्टार्ट है, तो एग्जॉस्ट साउंड है वो सुनाई दो आपको। इस बाइक में आपको एवरेज का फीचर भी मिल जाता है, एवरेज भी दिखा देगा आपको, रेंज, डिस्टेंस टू एम्प्टी, बाइक में जो पेट्रोल है उसमें कितना किलोमीटर चलेगी वो रेंज दिखा देगा, एवरेज शो कर देगा, तो ये सारे फीचर मिल जाते हैं यहाँ। बाइक का जो पेट्रोल टैंक कैपेसिटी वो है 11.2 लीटर्स की, तो काफ़ी ठीक ठाक कैपेसिटी दी गई है 125 cc के हिसाब से। ग्लास की बात करें तो काफ़ी स्टाइलिश लुक में जो इसके ग्लासेस हैं वो दिए गए हैं यहाँ पे, वो मिल जाते हैं। साइड पैनल की तो यहाँ पे SP125 की बैजिंग मिलेगी ग्राफिक के साथ में, फाइबर प्लास्टिक में इसका पैनल। रियर टेल सेक्शन है, वहाँ पे भी आपको ग्राफिक मिलेगा, और इसका इस बाइक में जो ग्रैब रेल है वो मेटल में मिलता है, बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, ग्लॉस ब्लैक में। सीट की बात करें तो सिंगल सीट दी गई है, काफ़ी वाइड है और कम्फर्टेबल राइडिंग मिलने वाली है इससे। ये इस बाइक का एग्जॉस्ट क्रोम फिनिश में मफलर मिल जाता है यहाँ पर, और पूरा का पूरा जो एग्जॉस्ट है मैट फिनिश में, ऊपर से क्रोम फिनिश मफलर है। ये फुटरेस्ट, पिलियन फुटरेस्ट गोल शेप में, मतलब राउंड शेप।
सेक्टर फुटरेस्ट विदाउट फोल्डेबल है, देख सकते हैं आप यहाँ पे सिंगल पाइप है, इसको फोल्ड नहीं कर सकते, अब ये ऊपर नहीं रहेगा, ये थोड़ा डिसएडवांटेज लगा मुझे। फोल्डेबल मिलता राइडर फुटरेस्ट तो ज़्यादा बेहतर होता, बट ठीक है। ये इसके रियर ट्विन सस्पेंशन, रेड कलर के सस्पेंशन मिल जाते हैं जो कि एडजस्टेबल है, यहाँ से आप एडजस्ट कर सकते हो। रियर टायर साइज़ की अगर बात करें तो टायर में भी आपको वही साइज़ मिलता है जो फ्रंट में दिया गया, 100x80 18 इंच के ट्यूबलेस टायर दिए गए हैं। और ब्रेकिंग की बात करें तो रियर साइड में आपको नॉर्मल ड्रम ब्रेक मिलते हैं। ये है बाइक का टेल सेक्शन, बाइक की जो टेल लाइट है वो आपको नॉर्मल हैलोजन बल्ब में मिलती है, जो शेप है डिज़ाइन है काफ़ी प्यारा दिया गया है। यहाँ पर आपको होंडा की स्टिकरिंग मिलती है या छोटी सी आपको लाइट मिलती है जिससे नंबर प्लेट विजिबल होगी। ये पूरा का पूरा फाइबर प्लास्टिक में, वही आपको नॉर्मल इंडिकेटर्स मिलते हैं नॉर्मल बल्ब में। और बाइक के लेफ्ट साइड में आते हैं तो यहाँ पे आपको मिल जाता है अच्छी खासी प्रोटेक्शन, सारी गार्ड और लेडी फुट रेस्ट, ये फाइबर प्लास्टिक में आपको फुल्ली कवर्ड मिलता है सारी गार्ड। और चेन सेट कवर है जो फाइबर प्लास्टिक में है, तो ये बेहतर है। चेन सेट कवर है पूरा का पूरा फाइबर प्लास्टिक में है, तो इसमें जंग वगैरह लगने की कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ से आप जो चेन है उसको लूप कर सकते हो इस रबर कैप को ओपन करके। इस बाइक में आपको मिल जाता है 5-speed गियर बॉक्स, यहाँ पे मेंशन भी है देख सकते हो आप। होंडा की बैजिंग मिल जाएगी, ये 5+ में कवर है इस तरीके से इंजन के ऊपर में। उस सेंसर के साथ में जो बाइक का साइड स्टैंड है वो मिल जाता है, यहाँ मेन स्टैंड दोनों स्टैंड मिल जाते हैं इस बाइक में। यहाँ पे आपको मिल जाता है इस बाइक में इनहेंस स्मार्ट पावर, यानी इस बाइक में अच्छी खासी पावर मिल जाती है। सो फाइनली अब बात कर लेते हैं इंजन पावर की, तो इससे मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस होती है, बाइक में मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस होती है 10.8 PS की एट 7500 RPM पे, और मैक्सिमम टॉर्क प्रोड्यूस करती है बाइक 10.9 Nm का एट 6000 RPM पे। तो जो पावर है इसमें अच्छी खासी मिल जाती है 125 cc के हिसाब से। अब बात कर लेते हैं ऑल ओवर बाइक के जो डायमेंशन हैं वो, तो बाइक में जो सीट हाइट है वो मिल जाती है 790 mm की, और ग्राउंड क्लियरेंस दिया गया इस बाइक में 160 mm का। सो फाइनली अब बात कर लेते हैं इस बाइक के प्राइस के बारे में। इस बाइक का जो ऑन रोड प्राइस है वो मैं आपको बता देता हूँ, 105000। स्पोर्ट्स एडिशन है ये, जिसमें आपको फ्रंट में डिस्क मिलती है और रियर साइड में ड्रम ब्रेक। बाकी इस बाइक से रिलेटेड कोई भी क्वारीज है तो आप कमेंट कर सकते हो, और शोरूम का एड्रेस आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये थी आज की वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए टिल देन बाय बाय, हैव नाइस डे।